आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। हमारे साथ भाजपा नेता गुंजन सिंह हैं और जानेंगे। गुंजन जी, आज 27वां जन्मदिन है, एक तरह से कह लीजिए राजद का। लालू यादव मंच पे हैं, तमाम नेता मंच पे हैं, लेकिन तेजस्वी गायब दिखे। पता नहीं, वो तो लगता है विदेश गए हैं। विदेश गए? अब किस कारण से गए हैं इतना तुम जानकारी नहीं रखे हैं, लेकिन आपको ये पता है गुंजन सिंह की विदेश गए? हाँ, ये पता है कि वो आने वाले हैं, 8 या 9 तारीख तक आने वाले हैं। लेकिन परसों तो 4 सीटों पेश होने वाला है। अब क्या कहें, इस पे विशेष जानकारी मेरा नहीं है। इसमें हम कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते। अच्छा, लोग कह रहे हैं और राजनीतिक गलियारों में गुंजन सिंह चर्चा चल रही है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने लालू यादव पे चार्ज फ्रेम करा के भेज दिया था, वैसे ही कहीं तैयारी तेजस्वी के लिए भी कर दिया है नीतीश कुमार। इस पे कुछ नहीं कह सकते, हम इतना जानकारी नहीं रख रहे। हम बस अपना गुंजन सिंह नहीं कह नहीं सकते हैं ना, आपको कहने की मनाही है कि कुछ बोलना नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी जो है अपना चुनाव पर मेरा ध्यान है और उसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। चलिए, गुंजन सिंह थे और बड़े भाजपा के कद्दावर नेता के रूप में उभर रहे हैं, लेकिन शायद हर पार्टी की कहीं ना कहीं मजबूरी होती है कि प्रवक्ता के मार्फत से ही बयान दिए जाएं कि क्या होगा। गुंजन सिंह अपने चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। गाना ना गाना पड़ता है हमनी के, तो बताइए गा दी। गाना, फिल्म, मान लो सब कुछ देखना पड़ता है। गा दीजिए। अच्छा, मान लीजिए कि राजनीतिक पर गाना गाना हो तो क्या गाइए? राजनीतिक पर गाना तो अभी सब एक से एक गाना गाए हैं, लेकिन किसी मुद्दा को लेकर के अभी कांवर का समय चल रहा है, उस पर भी एक गाना गाए हैं। अरे दूजा न देहु घर जैसा हो, दुनिया में धाम बा, दानी में सबसे बढ़ कर हो बाबा के नाम बा, दूजा न देहु घर जैसा हो, दुनिया में धाम बा। जय श्री राम। गुंजन सिंह, एक सवाल और। हाँ। उत्तर प्रदेश में एक मामला बड़ा अभी ट्रेंडिंग न्यूज में चल रहा है, ज्योति मौर्य का, और बक्सर और पटना में बहुत सी शादीशुदा लड़कियां जो पढ़ती थी, उनके पति उनको पैकअप करा के अब गांव लेके चले गए। क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर, गलत किया है ज्योति आर्या ने या सही किया है? गलत तो गर्वे की है। अब कोई पढ़ाया लिखाया और बन गए SDM, बन जाए DM, अब फिर वगैरह कहे कि तो झाड़ू लगाता था, पोछा लगाता था, अपने पति के साथ ही ऐसा की है। इससे पूरे महिला में जो भी लोग पढ़ा रहे हैं, शादीशुदा लोग, पढ़ाता इसीलिए कम है। अब जो अभी सुने होंगे कि एक दो लोग पढ़ाई छोड़वा दिया, किस लिए छोड़वा दिया? भले ही हो, बन जाए DM SDM, हमारा छोड़ दे। तो ये तो बहुत गलत की है, ये कि गलत। लेकिन गुंजन सिंह जी, एक मामला और भी, डाबी जो ये थी राजस्थान की IAS, और उनके हस्बैंड भी IAS थे, फिर भी ऐसे सब आरोप लग रहे थे, तो ये तो SDM ही थी। अभी देखिए, जो गलत है सो गलत है। हम यही कहना चाहेंगे कि जिससे एक बार ब्याह हो जाए, वगैरह छोड़े के ना चाहिए, चाहे वो बन जाए DM, चाहे मुख्यमंत्री, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे कुछ हो बने, चाहे वो कुछ हो ना रहे, एक बार शादी हो गया तो विधि का विधान है, जैसे भी है रखिए, एकदम उसको रखना है, निभाना है, ये हमारा संस्कृति है, इसको हम भूल जाएंगे? अच्छा, तो लड़कियां जो कह रही हैं कि नहीं, एक गुंजा की गलती, एक ये उसकी गलती से, आर्या की गलती से, ज्योति आर्या की गलती से, सारी लड़कियों को इस नज़र से नहीं देखा जा सकता, लड़कियां इस पे प्रोटेक्ट कर रही हैं ज्योति को कि नहीं गलत उसने किया है, लेकिन अब जो हस्बैंड लोग कर रहे हैं कि नहीं चलो भाई पैकअप करो और चलो अब गाँव चलो, झाड़ू पोछा करो, ये कहाँ तक सही है? नहीं, सभी लड़की पर आरोप नहीं लगा सकते हम लोग, एक के देख करके। कुछ लोग ऐसे होते हैं, 5 गोंगड़ी एक समान है, बराबर नहीं है, तो सोच लीजिए सबका काम अलग अलग है, इसका खाने का, इसका कुछ और है, तो यही बात है। सब पे हम आरोप नहीं लगा सकते, कोई भी नहीं लगा सकता है, लेकिन वो गलत की है, उससे बहुत सारे लड़कियों के जीवन पे बुरा असर पड़ा है। ये संदेश है कि कम से कम ऐसा कार्य ना करे आगे कर से कोई भी,
लेकिन आपके ही नेता गुंजन सिंह जी तब मनोज तिवारी बहुत पहले सोच के ये गा दिए थे क्या कि बबूनी के शहर में पढ़ावा, क्या क्या सोच के गा दिए थे? गाना है ना, ये संगीत का भाव है कि बबूनी के लागल व शहर के हवा और पढ़ावा। मनोज तिवारी उस समय सोच लिए थे कि हो सकता है? अरे उस समय ऐसा नहीं सोचे थे, कवि कुछ भी लिख सकता है, हम लोग कलाकार हैं, सबको खुश करने के लिए गाते रहते हैं अपना, ओकरा में कुछ इन्हें चल जाता है, कुछ होने चल जाता है, छपरा यारा होते रहता है। अच्छा गुंजन सिंह जी, आप खुद एक कलाकार हैं, आज जो भोजपुरी गानों में अश्लीलता का माहौल, जातिवाद का माहौल आप देख ही रहे होंगे, मैं किसी का इसमें नाम नहीं लूँगा, ये कहाँ तक सही मानते हैं? ये सब गलत है, हम कलाकार हैं, हमारे लिए सभी जाति के लोग एक समान हैं, हम सब फुहरता फुहरता भी नहीं होना चाहिए, और जो गाता है हम लोग तो नहीं गाते हैं वैसा गाना, तो हम लोग इस पर क्या बात करें, और थोड़ा बहुत मजा गाना में नहीं रहेगा तो कोई सुनबो नहीं करेगा, लेकिन हाँ उतना भी नहीं रहना चाहिए, हम झूठों नहीं कह देंगे कि एकदम साधु हैं, अरे ठीक है जो पब्लिक को नहीं, पसंद भोजपुरी है। में भाव होते हैं गुंजन सिंह जी, एक एक शब्द के 10 माने निकलते हैं, लेकिन सीधा उन शब्दों को खुलेआम तौर पर दर्शकों के सामने परोस देना कहाँ तक उचित है? नहीं वो तो गलत है, बहुत गलत है, इससे बुरा प्रभाव भी पड़ता है, हम लोग हमेशा सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा गाना गाया जाए जिससे कि जैसे कोरोना में गाना गाए थे, चाहे गाना गाए काटोगे जब हरे वृक्ष तो हवा कहाँ से पाओगे, तो जो अच्छे गीत होते हैं उसको भी प्यार आशीर्वाद पब्लिक दें और सुने, और विवादों में पब्लिक ना पड़े ऐसा कुछ नहीं है, एकदम आप लोग अपना काम करिए। 2024-25 में भाजपा के लिए क्या करना चाहिए, तैयारी हो रही है? अब इस पे सब लोग तैयारी करिए रहा है, हो ही रहा है। आपकी तैयारी? हमारा तैयारी भी चल रहा है, नवादा लोकसभा से। तो नवादा लोकसभा से गुंजन सिंह की भी तैयारी चल रही है, और अभी जहां तक हमारे पास खबरें आती आई हैं कि करीब 20 पन्नों का फॉर्म भरना है, सब कुछ है, लेकिन देखते हैं कि गुंजन सिंह नवादा से टिकट पाते हैं या नहीं। मैं मनोज चतुर्वेदी, पटना।